हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सब लोग का फिर से एक बार स्वागत है dographics.com पर। मेरा नाम है स्वराज, आ चुका हूँ एक जबरदस्त वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि आप dographics.com पर किस तरह से एक वीकली प्लानर डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको वीकली प्लानर बनाना है या मंथली प्लानर बनाना है, चाहे आपको डेली प्लानर बनाना है, फिर भी दोस्तों इस वाले वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये वाले वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही आसान से सीख जाओगे कि dographics.com पर आप किस तरह से एक प्लानर को डिजाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी प्लानर बनाने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना होगा आपके गूगल स्क्रीन पर। गूगल पर आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर देना होगा dographics। जैसे आप dographics सर्च कर देते हैं, उसका दोस्तों इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म dographics.com की वेबसाइट सबसे फर्स्ट में आ जाती है। उस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग dographics.com के होम पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोडक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोडक्ट पर क्लिक कर देते हो, उसका दोस्तों आपके आगे बहुत सारे प्रोडक्ट खुल के आ जाते हैं। अगर आपको डिजाइन से रिलेटेड और कोई वर्क करने तो आप इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आपको हर तरह के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। दोस्तों, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक प्लानर का प्रोडक्ट दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसे आप उस प्लानर के प्रोडक्ट पर क्लिक कर देते हो, आपके आगे कुछ इस तरह की स्क्रीन खुल के आ जाएगी। यहाँ पर आप आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल या कंटिन्यू विद फेसबुक करके साइन अप कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, जैसे आप साइन अप कर लेते हो, उसके बाद आप यहाँ पर dographics.com के एडिटर पेज पर आ जाते हो। लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे टेम्पलेट देखने के लिए मिल जाती है। ये सभी दोस्तों प्लानर की टेम्पलेट है। या कोई आपका स्टडी प्लानर हो, वीकली प्लानर हो, मंथली प्लानर हो, इस तरह के दोस्तों आपको जिस भी चीज़ के लिए प्लानर या जिस भी चीज़ के लिए आपको लिस्ट बनानी हो, वो यहाँ पर आप बना सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम बनाने वाले यूट्यूब के लिए एक वीकली वीडियो शेड्यूल। और दोस्तों, हमें ये वीडियो शेड्यूल बनाने के लिए सबसे पहले जो भी हमें टेम्पलेट पसंद आती है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि जो हमने फर्स्ट नंबर की टेम्पलेट है वो यहाँ पर ले ली है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इसे एडिट किस तरह से करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो हेडलाइन है वहाँ पर लिखा है 5-day lunch। तो यहाँ पर हम लोग डालने वाले YouTube वीडियो टॉपिक। तो यहाँ पर इसे एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें इसे डबल क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर लेना है। उसके बाद कट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी डालना है वो यहाँ पर टाइप या पेस्ट आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने डाल दिया है यूट्यूब वीडियो टॉपिक। उसके बाद दोस्तों हम इसे ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इसे ठीक से एडजस्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हो नीचे साइड में और एक आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर भी अगर आपको कुछ डालना है तो डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हम डाल देते हैं वीकली वीडियो शेड्यूल। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हमने वीकली वीडियो शेड्यूल डाल दिया है। उसका दोस्तों इसे हम ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसे ठीक से एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इसे डुप्लीकेट कर लेना है। जिसे आप डुप्लीकेट कर लेते हो, उसका दोस्तों आपके पास और एक यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। यहाँ पर आपको जो डालना है वो टेक्स्ट यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर डाल दिया है मंडे टू संडे। तो इसी तरह से हम इसे भी एडजस्ट और साइज इसकी कम कर लेते हैं। साइज कम करने के लिए एक बार इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर साइड में आपको एक साइज का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके इसकी साइज आप कम कर सकते हो। तो दोस्तों, अब आप लोग देख सकते हो ये जो प्लानर है, इसका जो हेडर एरिया है वो तो पूरा हो चुका है। अब दोस्तों, अब जिसका जो मेन एरिया है उसे एडिट करने की बारी आती है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं day 1, day 2, day 3, day 4 और day 5। लेकिन दोस्तों, हम तो यहाँ पर एक वीकली प्लानर बना रहे, यानी कि हमें day 6 और day 7 भी चाहिए होगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर day 6 और day 7 के कॉलम नहीं है, तो आप कैसे ला सकते हो? उसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो खाली स्पेस है यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर लेयर पर क्लिक कर देना है। जिसे आप लेयर पर क्लिक कर देते हो, उसके बाद दोस्तों आपके आगे यहाँ पर जितनी भी टेम्पलेट में यूज की गई लेयर है, वो सभी लेयर यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देती है। उनमें से आपने जिस पर भी क्लिक किया था, उस लेयर पर आपको एक ब्लू लाइन दिखाई देती है। तो दोस्तों, अब आप लोग समझ जाओगे कि ये जो लेयर है ये यहाँ पर बैकग्राउंड की है। तो हमने जैसे कि बैकग्राउंड पर क्लिक किया था, तो यहाँ पर हमें बैकग्राउंड के लेयर पर ब्लू लाइन दिख रही है। अब दोस्तों, हमें जो बैकग्राउंड की लेयर है, सबसे पहले उसे लॉक कर लेना है। लॉक के लिए यहाँ पर आप लेयर पर ही देख सकते हो, एक लॉक का बटन है, उस पर क्लिक करके लॉक कर लीजिए। जैसे आप लॉक कर लेते हो, उसका दोस्तों आपको ये जितने भी कॉलम्स है सबको एक बार सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट कर लोगे, उसका दोस्तों आपके कीबोर्ड के एरो बटन से आपको इसे ऊपर ले लेना है। आप दोस्तों आप लोग देख सकते हो, नीचे साइड में थोड़ा स्पेस हो चुका है। अब दोस्तों आपको किसी भी एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी करके उसे ग्रुप कर लीजिए। ग्रुप करने के बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके यहाँ पर नीचे डुप्लीकेट कर लेना है। जिसे आप डुप्लीकेट कर लेते हो, उसका दोस्तों इसे आप ठीक से एडजस्ट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर इसे डे 3 के नीचे एडजस्ट कर लेते हैं। उसी तरह से फिर से एक बार आपको उसे डुप्लीकेट करके डे 5 के नीचे भी ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, 7 days के लिए 7 columns तो रेडी हो चुके। अब दोस्तों हमें इसके डे ऑफ नंबर एडिट कर लेने।
जैसे कि दोस्तों नीचे के साइड में जो हमने न्यू कॉलम ऐड किया था उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों ऊपर साइड में आपको एक अनग्रुप का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। जिसे आप अनग्रुप पर क्लिक कर लेते हो उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सब कुछ अनग्रुप हो चुका है। अब दोस्तों आपको ये जो डे 5 की जगह है यहाँ पर आपको डे 4 डाल देना है, और इसी तरह से दोस्तों सभी कॉलम्स के यहाँ पर आपको नंबर चेंज कर लेने हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कॉलम तो बढ़ा लिए हैं, लेकिन दोस्तों अब बारी आती है यहाँ पर मेन टेक्स्ट एडिट करने की, जहाँ की हम टास्क वगैरह डालते हैं। तो दोस्तों उसे भी हम बहुत ही आसान से एडिट कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों उसको एक बार डबल क्लिक करके उसे भी कट कर देना है, और यहाँ पर आप सिंपली टाइप या पेस्ट करके डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम यूट्यूब वीडियो के लिए शेड्यूल बना रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम यूट्यूब वीडियो के टॉपिक डाल देते हैं। उसी तरह से आप जिस काम के लिए प्लानर बना रहे हैं तो वहाँ पर आप उसके रिलेटेड टास्क या आपका जो भी टेक्स्ट वगैरह होता है वो डाल दीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने सभी टेक्स्ट को एडिट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने यूट्यूब के लिए प्लानर बनाया तो थोड़ा यूट्यूब का फील भी आना चाहिए। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम लेयर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमने बैकग्राउंड के लेयर को लॉक किया था उस लेयर को अनलॉक कर लेंगे, और उसके बाद दोस्तों ऊपर के साइड में जो कलर बॉक्स दिख रहा है वहां पर जाके इसका बॉर्डर का कलर हम चेंज कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसके बॉर्डर का कलर रेड कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों चाहो तो आप यहाँ पर आप कुछ ग्राफिक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर एक YouTube का लोगो ऐड करने वाले, चाहो तो आप आपके YouTube चैनल का भी लोगो ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम फिलहाल के लिए सिर्फ YouTube का ही लोगो ऐड करने वाले। उसके लिए दोस्तों एलिमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। एलिमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्लैट आइकॉन्स पर, और फ्लैट आइकॉन्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर देना है YouTube। जैसे आप YouTube सर्च कर देते हो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ग्राफिक खुल के आ जाएंगे। अब दोस्तों आप इन ग्राफिक्स का यूज कर सकते हो, तो हम दोस्तों इसे यहाँ पर ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपको अगर यहाँ पर आपका YouTube चैनल का लोगो डालना है तो वो किस तरह से डाल सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें जैसे ही फोटोज पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको माय फोटोज उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड पर क्लिक कर दोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल सकते हो आपका यूट्यूब का लोगो, और उसके बाद दोस्तों उसे आपको ठीक से एडजस्ट कर लेना है। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए हम कोई भी यहाँ पर लोगो ऐड नहीं करने वाले। अब बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर जब आपका पूरा प्लान रेडी हो जाता है उसके बाद उसे डाउनलोड किस तरह से करना है। डाउनलोड करने के लिए ऊपर राइट साइड में डाउनलोड का बटन है, उस पर एक बार क्लिक कर दीजिए। जिसे आप उस पर क्लिक कर देते हैं उसका दोस्तों यहाँ पर PNG पर क्लिक कर लीजिए। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपका प्लानर रेडी हो चुका है। तो अब दोस्तों हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।